मैंने जब सप्तऋषि कुंड भेंट की योजना 2014 के सितंबर माह में की थी तो कुंड पे एक रात्रि कैंप के निर्धार से ही की थी। उस समय मुझे इस यात्रा के कठिनाइयों का ज्ञान नहीं था क्योंकि इंटरनेट पे इस यात्रा के प्रति कोई भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं थी। कदाचित इन्हीं कारणों से मुझे पोर्टर एवं गाइड की भी व्यवस्था में अत्यंत बाधा आ रही थी, किंतु अंततः यमुना जी की कृपा से यह यात्रा मैंने सप्तऋषि कुंड पर कैंप कर ही संपूर्ण की। इस यात्रा को मैंने अपने ब्लॉग द्वारा अंकित किया जिससे अन्य यात्रियों को लाभ मिले। 2019 में मुझे अचानक अत्यधिक मात्रा में इस यात्रा प्रति मार्गदर्शन के प्रश्न ईमेल द्वारा आने लगे। ईमेल से मैं थोड़ा आश्चर्य अनुभव करने लगा क्योंकि मुझे विश्वास था कि 2014 और 2019 के अंतराल में अनेक यात्रियों ने इस यात्रा के ब्लॉग एवं यूट्यूब वीडियोज अवश्य प्रकाशित किए होंगे, किंतु ऐसा नहीं था। 2020 में भी इस यात्रा विषयी प्रकाशन न्यूनतम है और इस यात्रा प्रति का भय प्रस्तापित। इस कारण मैंने यह वीलॉग बनाने का निर्धार किया। 2014 में मेरे पास अच्छे वीडियो रिकॉर्डिंग साधन नहीं थे, कुछ फुटेज अवश्य था और बहुत से फोटोज, उन्हीं को मिला के मैं यह यात्रा और उसकी तांत्रिकता प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। फुटेज और फोटो क्वालिटी वर्तमान के तुलनात्मक साधारण है, उस प्रति क्षमा चाहता हूँ। आशा है दर्शकों को इस प्रस्तुति से यात्रा विषय उचित ज्ञान प्राप्त होगा और वे भी इस कुंड की दिव्यता का आनंद ले सकेंगे। 10,600 फीट पर स्थित यमुनोत्री धाम यह हिंदू मान्यता के चारधाम यात्रा का एक दिव्य क्षेत्र है। ये भारत के उत्तराखंड प्रदेश के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और हिमालय पर्वत के बंदरपुर श्रृंखला के निकट है, जो 6,315 मीटर ऊंचे है। यमुनोत्री यह यमुना देवी का पूज्य स्थान है। यद्यपि मंदिर 10,600 फीट पर स्थित है, यमुना नदी का उगम इस मंदिर के 1.5 किलोमीटर ऊर्ध्व में स्थित सप्तऋषि कुंड से होता है। यह कुंड का विस्तार 15,400 फीट से आरंभ हो 18,000 फीट तक है। इस कुंड के भेंट के प्रति हमें यमुनोत्री धाम से सटीक 2-3 पर्वतों की प्रदक्षिणा कर अत्यंत जटिल 15 किलोमीटर की पदयात्रा अवलंब करनी पड़ती है। इस कारण इस कुंड के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। कुंड के आवास में संध्या समय चलती तीव्र वायु से पत्थर उड़ते हैं और यहाँ रात्रि शयन अनुमान्य नहीं है। इस कारणवश यहाँ ना तो ग्रामवासी जाते हैं ना ही यात्री। तथापि पुराण, वेद, तंत्र, योग एवं आयुर्वेद के जिज्ञासु अथवा प्रदूषण मुक्त प्रकृति का अनुभव की कामना रखने वाले यात्रियों के लिए यह यात्रा दिव्य अनुभवों से परिपूर्ण है। यमुनोत्री धाम एवं यमुना नदी के उगम का स्थान सप्तऋषि कुंड, इनके दर्शन की पद यात्रा जानकी चट्टी से प्रारंभ होती है। जानकी चट्टी यह अंतिम मोटरेबल पॉइंट है। जानकी चट्टी से निकटतम रेल अथवा हवाई स्थान देहरादून है, जहां से आप बस या प्राइवेट टैक्सी कर जानकी चट्टी आ सकते हैं। बहुतांश यात्री देहरादून से प्रयाण कर बरकोट में रात्रि निवास करते हैं, जहां अच्छे होटल हैं और भोजन की व्यवस्था। बरकोट से प्रातः जानकी चट्टी पहुंचकर वहां से यमुनोत्री की 6 किलोमीटर पदयात्रा कर संध्या समय फिर से बरकोट आ जाते हैं। हम भी देहरादून रेल स्थान से प्राइवेट गाड़ी बुक कर रात्रि समय बरकोट पहुंचे। बरकोट में हमें हमारे ट्रिक ऑर्गेनाइजर मिस्टर मदन रावत मिले, जिन्होंने हमें ट्रिक के प्रति की गई अरेंजमेंट से अवगत किया। हम रात्रि भोजन कर मुंबई से बरकोट यात्रा के थकान के कारण तुरंत सो गए। प्रातः हम हमारे कैंपिंग का सामान और राशन व्यवस्था के साथ जानकी चट्टी के प्रति प्रयाण कर पड़े। जानकी चट्टी बरकोट से 10 किलोमीटर अंतर पर स्थित है। जानकी चट्टी का मार्ग बनने के पूर्व यात्री हनुमान चट्टी तक ही वाहन यात्रा कर सकते थे। यहाँ से यमुनोत्री धाम 13 किलोमीटर की पदयात्रा थी, जहाँ जानकी चट्टी तक अत्यंत दुर्गम चढ़ाई थी। अब यह यात्रा सुलभ हो चुकी है। जानकी चट्टी आगमन पर हमने मैगी, यह हिमालयन ट्रैक्स का प्रतीक माने जाने वाले ट्रेडिशनल निहारी का आनंद लिया और उस उपरांत हमने यमुनोत्री धाम की पदयात्रा आरम्भ की। 5 किलोमीटर की यह यात्रा आरंभतः सरल एवं अत्यंत मोहक दृश्यों से परिपूर्ण है। इस यात्रा के अंतिम 1 से 1.5 किलोमीटर चढ़ाई के हैं। हम केवल 4 घंटों में प्रकृति का आनंद लेते यमुनोत्री धाम पहुंचे। मंदिर के निकट एक यात्री निवास है, जहां रहने की मूलभूत सुविधाएं हैं। उस समय रूम का मूल्य 300 से 400 रुपए था। हम चेक इन उपरांत मंदिर की ओर चल पड़े।
यमुनोत्री धाम का क्षेत्र यह सीज्ड वॉल्केनिक एक्टिविटी का है और इस कारण इस मंदिर के आवास में एक तप्त कुंड का अस्तित्व है जिसमें स्नान करने से थकावट दूर हो जाती है। यमुना जी सूर्य देवता की पुत्री होने के कारण इसे सूरज कुंड कहते हैं। इस कुंड में हमने स्नान किया और उस उपरांत यमुना जी का दर्शन लिया। यमुनोत्री मंदिर के निकट एक हनुमान जी का मंदिर है जो वास्तविकता में एक गुफा है। यहाँ एक महात्मा बाबा जी का निवास था जो हनुमान जी के परम भक्त थे। बाबा जी यहाँ लगभग 50 वर्षों से तप कर रहे थे। हमारे गाइड जो यहाँ के पुरोहित भी थे और बाबा जी के भक्त, उन्होंने हमें बताया कि बाबा जी ने इन 50 वर्षों में यमुनोत्री का ब्रिज भी पार नहीं किया था। दर्शक इस बात से अवगत रहे कि यमुनोत्री धाम 6 माह तक बर्फ से संपूर्ण आच्छादित रहता है और यहाँ कोई निवास नहीं करता। बाबा जी फिर भी बर्फ से आच्छादित गुफा में अपने तप के बल पर यहाँ निवास कर रहे थे। वे किसी से नहीं मिलते थे, केवल हनुमान जी के आरती के पश्चात भक्तों को प्रसाद देते थे। हमारे गाइड ने कहा कि यदि हम सप्तऋषि कुंड में एक रात ठहरने की मंशा रखते हैं तो हम बाबा जी का आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि इस दिव्य क्षेत्र का ज्ञान उनसे अधिक किसी को नहीं है। मैं बाबा जी के दर्शन के लिए आतुर था। हमारे सौभाग्य से बाबा जी ने ना केवल दर्शन दिया परंतु मुझे पास बुला के मुझे 2 से 3 घंटे योग, तंत्र एवं आयुर्वेद के विषय में बड़े स्नेह से संबोधित भी किया। मैं उनकी आज्ञा से उनके कुछ क्षण, जब वे मुझे अष्टवर्ग की दिव्य औषधियों का ज्ञान दे रहे थे, अपने वीडियो में कैप्चर कर सका। परंतु उस उपरांत उन्होंने लाइट बंद कर वीडियो ना लेने की आज्ञा दी और मुझे और भी बहुत गुप्त विद्याओं और उनके तप के विषय बताए। ग्रामवासियों की ऐसी मान्यता है कि सप्तऋषि कुंड में रात्रि समय बहुत तीव्र गति से वायु चलती है और बड़े पत्थर हवा में उड़ते हैं। वे वहाँ रात को गांधर्व एवं भूतों का वास होने की भी बात करते हैं। बाबा जी ने हमें कहा कि हम निश्चित मन से रात को सप्तऋषि कुंड में निवास करें। बाबा जी ने मुझसे कहा कि सप्तऋषि कुंड में यदि रात्रि का शयन सुखद रहा तो अगली प्रातः में निर्वस्त्र अवस्था में सप्तऋषि कुंड में 10 मिनट तक शिव जी का जाप करूं और उस उपरांत महास्थित शिव मंदिर में पूजा। अति प्रसन्नता से हमने बाबा जी की आज्ञा ली और यात्री निवास लौट गए। अगली प्रातः हम यमुनोत्री धाम का दर्शन कर सप्तऋषि कुंड की ओर चल पड़े। यह पथ लगभग 70 डिग्री की खड़ी या स्टीप चढ़ाई से आरंभ होता है जो बहुत ही कठिन है। चढ़ाई उपरांत आप इस पेड़ के पास आते हो जहां ग्रामवासी पूजा कर ही फिर मार्गक्रमण करते हैं। यहां से यात्रा पथ अत्यंत कठिन है। सत्य तो यह है कि यहां से कोई पथ अस्तित्व में ही नहीं है। आप पर्वत के किनारे से अपने पैरों को संभालते चलते हैं। अत्यंत शिथिल मार्ग होने के कारण आप बहुतांश बार पिसल के नीचे भी गिर सकते हैं। यह पथ 6 से 7 किलोमीटर तक बहुत ही कठिन और थका देने वाला है, जहां आप सावधानी से रुक के सांस भी नहीं ले सकते, बस चलते जाना होता है। 7 किलोमीटर उपरांत आप एक वाटरफॉल के निकट आते हैं जहां आप थोड़ा विश्राम कर भोजन कर सकते हैं, क्योंकि इस पथ में यही एक पानी का स्रोत है। इस उपरांत आप और 4-5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर अंततः दामिनी बुग्याल पहुँचते हैं, जहाँ आप कैंप कर सकते हैं। हम दामिनी बुग्याल शाम को पहुँचे। प्रकृति का आनंद अनुभव कर हम यात्रा थकान से भोजन उपरांत त्वरित सो गए। अगली प्रातः हम सप्तऋषि कुंड की ओर चल पड़े। यहाँ से मार्ग 5 से 6 किलोमीटर का है, परंतु अत्यंत कठिन। लगभग 2 किलोमीटर उपरांत हम एक फूलों से लदी घाटी में आते हैं, जहाँ विविध दुर्गम वन औषधियाँ भी हैं। मैंने अपने गाइड से कुछ औषधियों का ज्ञान लिया। फील है इसका नाम, और ये आता है किसमें, सांसी और दमा, दमा के काम आता है। कैसा इस्तेमाल करना है इसको? इसको सूखा के भी आप खा सकते हैं। हाँ हाँ,
और या दूध के साथ मिल्क के साथ आप ले सकते हैं। अच्छा, और ऐसे भी इसको खा सकते हैं, इसको पाउडर करके भी खा सकते हैं, पाउडर करके भी खा सकते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं, ये नुकसान तो करने वाला नहीं। हाँ। ठीक है, बाकी इसको थोड़ा थोड़ा पाउडर फांके बांध के। लेकिन जिसको बहुत पुराना दम वम रहेगा वो भी ठीक हो जाता है? पुराना है, पुराने वाले का ठीक हो जाता है। हम अब फिर चढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद हम यमुनोत्री ग्लेशियर के पास आए जिसे हमें क्रॉस करना था। यह थोड़ा डेंजरस पैच है क्योंकि ये ग्लेशियर स्टीप है और यदि आप फिसले तो सीधे नीचे यमुना में चले जाएंगे। ग्लेशियर उपरांत आपको फेन कमल एवं ब्रह्म कमल जो लगभग 13,000 से 14,000 फीट पे पाए जाते हैं दिखने लगते हैं। इस स्थान पे आपको और भी दुर्गम जड़ियां मिलती हैं। कुछ जड़ियों के चित्र प्रस्तुत कर रहा हूं जो मैंने इस यात्रा में कलेक्ट की। इस उपरांत रास्ता संपूर्णतः पथरीला हो जाता है और हरियाली न्यूनतम। अब आप ये जान लेते हो कि आप 15,000 फीट के आसपास पहुंच चुके हैं। यहां से रास्ता अत्यंत कठिन पत्थरों के महासागर जैसा प्रतीत होता है। अंततः हम संध्या के 5 बजे सप्तऋषि कुंड पहुंचे। दृश्य अविस्मरणीय था। हम सब टेंट लगाने की उत्तम जगह ढूंढने लगे। हमारा टेंट न्यूनतम क्वालिटी का था जो इस हाइट और वातावरण के प्रति उचित नहीं था। संभवतः हमारे पोर्टर्स का विचार होगा कि हम रात्रि यहाँ नहीं ठहरेंगे। अन्य यात्रियों के समान हम संभवतः यह ट्रैक नहीं कंप्लीट करेंगे अथवा दर्शन कर फिर से दामिनी बुग्याल गमन करेंगे। न्यूनतम टेंट एवं स्लीपिंग बैग के कारण रात्रि में ठंड अत्यधिक प्रतीत हो रही थी। बाबा जी के उपदेश अनुसार फिर भी मैं मध्य रात्रि में कुंड के आवास में जा उन्होंने बताए कुछ स्थानों पर अष्टवर्ग की जड़िया खोज कर आया। बाबा जी के आशीर्वाद से ना कोई रात्रि में तीव्र वायु चली, ना पत्थर उड़े और ना कोई गांधर्व मिले। बस सप्तऋषि कुंड से आकाश स्थित सप्तऋषि के दर्शन कर मन मंत्र मुग्ध हो गया। अगली प्रातः कुंड का दृश्य चमत्कारिक था। बाबा जी के उपदेश अनुसार मैंने निर्वस्त्र अवस्था में कुंड के ठंडे पानी में शिवजी के ध्यान 5 से 10 मिनट किया। उनके बताए प्राणायाम से ठंड का अनुभव ही नहीं हो रहा था। उस उपरांत फिर कुंड पे स्थित शिवजी के मंदिर में पूजा अर्पण की। हम पूजा उपरांत निहारी कर अब यमुनोत्री धाम चल पड़े। 15 किलोमीटर का यह मार्ग उतरते समय और भी कठिन प्रतीत हो रहा था। हमारा संध्या समय यमुनोत्री धाम आगमन हुआ। सूरज कुंड में स्नान कर हमने मंदिर दर्शन का लाभ लिया। यहाँ की संध्या आरती अत्यंत तृप्ति देने वाली है। आरती उपरांत हम बाबा जी का आशीर्वाद लेने गए। बाबा जी ने प्रसन्नता से स्वागत कर हमें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अगले दिवस हमारे बरकोट गंतव्य समय हम जानकी चट्टी के निकट स्थित खरसाली गाँव को भेंट दी जहाँ एकमेव अद्भुत शनि जी का मंदिर है। इस मंदिर के दीवार पे एक अद्भुत लिपि है जिसकी आयु और अर्थ का तर्क वर्तमान में कोई भी विशेषज्ञ नहीं कर पाए। इस मंदिर में अद्भुत घड़े हैं जो स्वयं अपना स्थान बदल देते हैं। हम निश्चिंत और संतुष्ट मन से यात्री निवास लौट पड़े। उस रात्रि की निद्रा बड़ी सुखद और संतोषजनक थी। अगली प्रातः हम खरसाली की ओर चल पड़े, परंतु खरसाली गांव और शनि मंदिर की अद्भुत कथा फिर कभी सुनाऊंगा। आशा करता हूँ इस लघु प्रस्तुति से सप्तऋषि कुंड यात्रा करने के इच्छित यात्री
को लाभ अवश्य होगा।